आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। अडानी मामले को लेकर विपक्ष हमलावर है, सड़क से लेकर संसद तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। पता लग रहा है कि किस तरीके से विपक्ष हमलावर है और कैसे सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं। एक तस्वीर मुझे दिखी, वाराणसी की ये तस्वीर है जहां पर अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे। खास बात यह है कि बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव जहां पर पहुंचे थे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेवरेट चाय की दुकान है, ऐसा कैप्शन दिया गया है इस वीडियो को शेयर करते हुए, जहाँ अखिलेश यादव है, हाथ में चाय का कप है और चाय की चुस्कियाँ लेते हुए वाराणसी के लोगों से वो बात कर रहे हैं, क्योंकि वाराणसी को लेकर विकास के बड़े दावे किए जाते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ वाकई में विकास हुआ है तो क्या हुआ है। वाराणसी के लोगों से बात करते हुए, वहाँ बातों के साथ ही चाय की चुस्कियाँ लेते हुए नजर आए। खैर, ये तस्वीर अलग है। अखिलेश यादव क्या सभी विपक्षी पार्टियाँ बड़े एग्रेसिव मोड में हैं, सरकार से सवाल अडानी को लेकर पूछ रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े चेहरे कुछ सवाल करते हुए भी अडानी ग्रुप से जुड़े हुए नजर आए और तंज करते हुए भी सरकार से नजर आए। इस बीच अखिलेश यादव, जिनका मैंने जिक्र किया, अखिलेश यादव ने उद्योगपतियों को विटामिन ए बता दिया है। विटामिन ए बताते हुए उन्होंने तुलना कर दी और कह रहे हैं कि सरकार के पास इन दिनों विटामिन ए बहुत ज़्यादा हो गया है। वहाँ मौजूद लोगों ने पूछा कि विटामिन ए वो कैसे, तो अखिलेश यादव अपने इस बयान के एंड में कहते हैं, अरे विटामिन ए का मतलब मेरा मतलब है उद्योगपतियों से। ये एक अलग तरीके का तंज हो गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो कह रहे हैं कि अरे अगर कोई नंबर 2 की पोजीशन पर था और वो टॉप 20 की लिस्ट से बाहर हो जाता है, वो अमीरों की लिस्ट में शुमार था और लगातार अमीरी की तरफ आगे बढ़ रहा था, वो टॉप 2 में पहुंच जाता है, सरकार को कोई खबर नहीं रहती, इससे ज़्यादा सबूत और क्या होगा उसकी गड़बड़ी के, उसके घोटाले के। सरकार क्यों खुले मन से ये नहीं कह पा रही है कि हाँ हम इस मामले में जांच बिठाएंगे, जांच करेंगे। चूँकि विपक्ष हमलावर है, सरकार की तरफ से ये जवाब दिया जा रहा है कि सरकार का कोई लेना देना अडानी ग्रुप से नहीं है, उनका इस पूरे मैटर से कोई मतलब नहीं है। राज्यसभा लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले भी, योजनाओं का जिक्र भी किया, लेकिन विपक्ष बार बार इसी जिद पर अड़ा रहा कि आखिर क्यों अडानी को लेकर सवालों का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। पहले अखिलेश यादव, फिर भूपेश बघेल, दोनों को बारी बारी से सुनिए अडानी को लेकर किस तरीके से तंज किया है। भारतीय जनता पार्टी को विटामिन ए बहुत मिल रहा है, इन्हें कमी नहीं है, इन पे विटामिन ओवर हो गई है और इसलिए मैं कह रहा हूं इनका हिसाब किताब देखोगे तो इन्होंने क्या खेल खेला सोचिए आप। एक समय नहीं नहीं वो गलत समय रहे, विटामिन ए मतलब जो उद्योगपति हैं, घोटाले का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, जांच कराए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एक ऐसा सबूत जिससे उसके मित्र के जो स्थिति है दूसरे नंबर से खिसक के तीसरे नंबर में पहुंच जा रहा है, तो इससे बड़ा घोटाला सबूत और क्या चाहिए। पूरे दुनिया के अर्थशास्त्री मान लिए कि गड़बड़ है, तभी तो पैसा विड्रा कर लिए और विड्रा कर उसे जाँच क्यों नहीं करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, हम आम जनता है जो भविष्य के लिए LIC में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसा को आप अपने मित्र को दे रहे हैं।